गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहित सक्सेना एंड द सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर फॉर 8th क्लास। टुडे इन दिस चैप्टर आई विल एक्सप्लेन दीज टू टॉपिक्स। द फर्स्ट टॉपिक इज द फीचर्स ऑफ MS एक्सेस एंड द सेकेंड टॉपिक इज हाउ टू क्रिएट डेटाबेस यूजिंग टेम्पलेट्स। So these two topics I will discuss in this video. In your book, you can see this topic, features of MS Access, on page number 29. You can get this topic, features of MS Access. I have copied this definition on this page, so I will explain this definition here. So now I am starting the first feature of Microsoft Access. Access provides the facility to break large information into small parts. माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि अगर आपकी इंफॉर्मेशन काफ़ी बड़ी है तो आप उसे छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर सकते हैं, सो दैट इट इज़ ईजी टू एक्सेस द इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से आप इजीली इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। अब ये स्मॉल पार्ट्स क्या होते हैं, तो जैसे हमने पिलर्स और स्ट्रक्चर MS एक्सेस का डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे टेबल्स की फॉर्म में रखा जाता है एंड इजी वे में उसको प्रेजेंट करने के लिए फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और क्यूरीज की हेल्प ली जाती है। तो इन्हीं स्मॉल पार्ट्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आप अपने इन्फॉर्मेशन को क्यूरीज, रिपोर्ट्स और फॉर्म्स के फॉर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं और आप इजीली अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट, डेटा रिडंडेंसी, डुप्लीकेशन ऑफ डेटा इज रिड्यूस्ड। इस वाले पॉइंट को हमने अपने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि डेटा रिडंडेंसी क्या होती है। तो मैं दोबारा से एक एग्जांपल आपको देता हूं। सपोज कीजिए कि हमने दो टेबल बनाई हैं। फर्स्ट टेबल में हमारे जो तीन फील्ड्स हैं उनमें पहला फील्ड है रोल नंबर, सेकेंड है नेम एंड द थर्ड वन इज क्लास। और जो सेकेंड टेबल है उसमें भी थ्री फील्ड्स हैं, फर्स्ट इज रोल नंबर, सेकेंड वन इज नेम एंड थर्ड वन इज मार्क्स। तो आप देखेंगे इन दोनों ही टेबल्स में एक चीज कॉमन, दो फील्ड्स कॉमन हैं, वो है रोल नंबर और नेम। तो रोल नंबर को तो कॉमन बनाना चलता है क्योंकि रोल नंबर्स कभी भी डुप्लीकेट नहीं होते हैं, लेकिन नेम डुप्लीकेट हो सकते हैं, तो इसलिए रोल नंबर का दोनों टेबल में सेम होना कंपलसरी है। लेकिन आप देखेंगे कि अगर MS Access में, क्योंकि हम रिलेशनशिप कर पाते हैं, तो जब यहाँ पर रिलेशनशिप हो रखी है तो ऐसे केस में नेम को दोनों ही टेबल में रखना ज़रूरी नहीं है। अगर हम दोनों टेबल्स में ही नेम को भी रखेंगे तो इससे डेटा रिडंडेंसी बढ़ जाएगी, रिड्यूस नहीं होगी। लेकिन MS Access में रिलेशनशिप क्रिएट करने के बाद हम लोग इस तरह की रिडंडेंसी को कम कर सकते हैं। अब या तो आप नेम को फर्स्ट टेबल में रख लीजिए या फिर सेकंड टेबल में रख लीजिए। तो जैसे कि मैं फर्स्ट टेबल में रखता हूँ नेम को, तो फर्स्ट टेबल में थ्री फील्ड्स हमारे सामने रहेंगे, फर्स्ट इज रोल नंबर, सेकेंड वन इज नेम एंड थर्ड वन इज क्लास। लेकिन जो हमारी सेकेंड टेबल है उसमें, क्योंकि अब दोनों टेबल्स में रिलेशनशिप हो चुकी है, तो हमें सिर्फ रोल नंबर और मार्क्स की नीड है। नेम हम वहां से हटा देंगे क्योंकि वो हमारा फर्स्ट टेबल में आ चुका है। तो MS Access में रिलेशनशिप होती है, इस वजह से डेटा रिडंडेंसी यानी कि डेटा की जो डुप्लीकेसी है वो रिड्यूस हो जाती है। नाउ द थर्ड पॉइंट इज इट इंक्रीजेज द एफिशिएंसी। ये आपके कार्य करने की क्षमता को बढ़ा देता है, स्पीड और स्पीड को भी बढ़ा देता है एंड फ्लेक्सिबिलिटी, और आपके जो फ्लेक्सिबिलिटी है, जो लचीलापन है इन सर्चिंग एंड एक्सेसिंग द इंफॉर्मेशन, किसी भी इंफॉर्मेशन को सर्च करने में या उसे एक्सेस करने में
जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसे इंक्रीज कर देता है, जो स्पीड है उसे इंक्रीज कर देता है, और जो एफिशिएंसी है, जो कार्य करने की क्षमता है, किसी भी डेटा को सर्च करने की और एक्सेस करने की जो क्षमता है उसे इंक्रीज कर देता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। नेक्स्ट पॉइंट इज, फोर्थ पॉइंट, एक्सेस फैसिलिटेट्स शेयरिंग ऑफ डेटा। आप एमएस एक्सेस की हेल्प से डेटा को शेयर भी कर सकते हैं। डिफरेंट यूजर्स कैन यूज द सेम डेटाबेस टू एक्सट्रैक्ट डेटा अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इट मीन्स कि डिफरेंट यूजर्स, यानी कि डिफरेंट यूजर्स मीन्स कि कुछ यूजर्स जो अलग अलग लोकेशंस पर हैं, वो एक कॉमन डेटाबेस को, एक सेम डेटाबेस को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। तो सपोज अगर मैंने कोई डेटाबेस क्रिएट किया है तो ज़रूरी नहीं है कि इसको मैं ही एक्सेस कर सकता हूँ, इसे मेरे फ्रेंड्स, मेरा फ्रेंड सर्कल अपनी लोकेशन से इजीली एक्सेस कर सकता है, और इससे डेटा की जो रिडंडेंसी है वो भी कम हो जाती है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज, एक्सेस प्रोवाइड्स डेटा सिक्योरिटी फीचर्स एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी। तो MSM एक्सेस जो है वो कुछ ऐसे फीचर्स प्रोवाइड करता है जिससे आपके डेटा की सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है एंड मेंटेन्स इंटीग्रिटी, और आपकी जो डेटा है उसकी अखंडता को बनाए रखता है, विच इज़ यूजफुल टू मेक योर डेटा मोर कंसिस्टेंट एंड रिलायबल। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं जो MS एक्सेस आपको प्रोवाइड करता है, इनकी मदद से आपके डेटा को मोर कंसिस्टेंट मीन्स मोर इजी टू यूज एंड रिलायबल मीन्स विश्वसनीय बनाया जा सकता है। नाउ द सिक्स पॉइंट इज, एक्सेस प्रोवाइड्स द फैसिलिटी टू क्रिएट डेटा फॉर्म्स। आप जो भी टेबल क्रिएट करते हैं और उस टेबल में जो भी डेटा स्टोर करते हैं अपने MS एक्सेस के अंदर, उस MS एक्सेस में जो आपने टेबल बनाई है, उस टेबल के जो डेटा है उसको आप फॉर्म्स की फॉर्म में भी देख सकते हैं। फॉर्म्स में जब आप किसी भी टेबल के डेटा को देखते हैं तो आपको रोल नंबर वाइज दिख जाता है, आपको पता चल जाएगा कि रोल नंबर वन पर स्टूडेंट्स का क्या नाम है और उसको कितने मार्क्स मिले हैं, सो दैट द यूजर कैन एंटर द रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन इन द रेस्पेक्टिव फील्ड्स। और अगर आप चाहते हैं तो फॉर्म्स की हेल्प से आप पर्टिकुलर रोल नंबर पर डेटा को फीड भी कर सकते हैं। सपोज रोल नंबर 6 तक ही डेटा दिया गया है किसी टेबल में, लेकिन आप चाहते हैं रोल नंबर 7 का भी डेटा एंटर करना, तो आप फॉर्म्स की हेल्प से इजीली वहां पर डेटा एंटर कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूसेस डेटा एंट्री एरर्स। और जब आप फॉर्म्स की हेल्प से डेटा को एंटर करते हैं या फिर किसी भी फॉर्म की हेल्प से डेटा को सर्च करते हैं, तो आपको इजीली विदाउट एनी एरर डेटा फाइंड आउट आप कर सकते हैं। अगर आपको रोल नंबर 6 की ही डिटेल्स देखनी है तो आप फॉर्म्स की हेल्प से सिर्फ रोल नंबर 6 के बारे में ही डिटेल्स को फेच आउट कर सकते हैं, रोल नंबर 7 या रोल नंबर 5 का डेटा आपको बाय मिस्टेक शो नहीं होगा। नाउ द सेवंथ पॉइंट इज, क्वेरीज हेल्प यू टू गेट द इंफॉर्मेशन ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। तो क्वेरीज जो हैं वो आपकी मदद करती हैं टू गेट द इंफॉर्मेशन प्राप्त करने में ऑन ए स्पेसिफिक टॉपिक, किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन द डेटाबेस। जो भी इंफॉर्मेशन आपकी डेटाबेस में स्टोर है उसे आपकी नीड के अकॉर्डिंग, जो भी आपने लाइन लिखी है उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा सर्च करके, फैच आउट करके आपको प्रोवाइड करती हैं। नाउ द एट्थ पॉइंट इज, रिपोर्ट्स अलाउ यू टू प्रेजेंट द डेटा इन मीनिंग फुल एंड समराइज मैनर। तो सपोज आपने कोई टेबल बनाई है और उस टेबल को आप रिपोर्ट्स के हेल्प से देखते हैं, तो वो जो डेटा है स्टोर है टेबल में उसे आप सार्थक और संक्षेप ढंग से रिपोर्ट की हेल्प से देख सकते हैं। सो ऑल द फीचर्स ऑफ MS Access हैज कम्प्लीटेड। आई होप आपको क्लियर हुए होंगे सभी फीचर्स। Now I am starting how to create database using templates. Start MS Access. Click here. Maximize it. Okay.
अभी तक हम लोग क्या करते थे कि जब हमें डेटाबेस क्रिएट होना करना होता था तो हम लोग ब्लैंक डेटाबेस पर क्रिएट करते थे, और उस डेटाबेस को हम यहाँ से नेम सर्च नेम उसको जो भी हम नेम चाहते थे वो यहाँ से हम इंसर्ट करते थे उसमें। लेकिन कुछ यहाँ पर प्री डिफाइंड डेटाबेस हैं जो कि हमें सैम्पल टेम्पलेट्स में मिल जाएंगे। तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कुछ लेआउट्स हैं जो कि प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स के लेआउट्स हैं। आप जिस पर भी क्लिक करेंगे वही नेम यहाँ पर आने लग जाएगा। सपोज कीजिए इवेंट्स, तो इवेंट्स नाम यहाँ पर आ जाएगा। फैकल्टी करेंगे आप तो फैकल्टी आ जाएगा, और जो भी आप लेआउट यहाँ से प्री डिफाइंड टेम्पलेट जो भी सेलेक्ट करेंगे उस तरह से यहाँ पर नेम उसका आ जाएगा। तो आप फैकल्टी करते हैं तो यहाँ से हम फैकल्टी एनआर कर देते हैं इसको, ओके, एंड क्रिएट पर क्लिक करेंगे तो ये क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर, ओके। यहाँ पर इनेबल कंटेंट कर देते हैं। अब आप यहाँ से देखते हैं नेविगेशन पैन में, तो आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर ये दोनों आपको फॉर्म प्रोवाइड किए गए हैं और ये कुछ यहाँ पर रिपोर्ट्स प्रोवाइड की गई हैं। अभी ये सब ब्लैंक हैं, इनमें कुछ भी डेटा स्टोर नहीं है, लेकिन ये जो फॉर्म आपको प्रोवाइड करे गए हैं यहाँ पर आप देखेंगे हमने इस वाले फैकल्टी लिस्ट को हमें बाय डिफॉल्ट ओपन करके दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइंड फील्ड्स नेम हैं जैसे कि आईडी, फैकल्टी आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, बिजनेस फोन, डिपार्टमेंट, फैकल्टी टाइप। तो ये सब फील्ड्स हमें पहले से ही प्रोवाइड करे गए हैं, तो इसे हम कहते हैं टेम्पलेट। यानी कि पहले से ही एक ऐसा लेआउट हमें बनाकर दे दिया गया है जिसमें हमें ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, जस्ट हमें डेटा एंटर करना है क्योंकि ये रेडी टू यूज है यहाँ पर। तो यही फायदा होता है प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स का कि जो भी आप टेम्पलेट का लेआउट सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने फैकल्टी का चूज करा है, तो ये हमें हमारा काम थोड़ा सा आसान कर देता है यहाँ पर कि हमें ऑलरेडी इन्होंने यहाँ पर दिए हुए फील्ड्स नेम और फॉर्म को क्रिएट किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट जो एक फैकल्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट होता है वो कुछ रिपोर्ट्स हमें यहाँ पर तैयार करके दी हुई हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पर फॉर्म्स में डेटा एंटर करना स्टार्ट कर देंगे तो वैसे वैसे ही हमारी इन रिपोर्ट्स में भी डेटा ऐड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही होते हैं प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स, आप लोग इनको यूज़ करके देख सकते हैं। इस चैप्टर में जस्ट आपके टेम्पलेट के बारे में जस्ट डेफिनेशन बताई गई है कि टेम्पलेट क्या होता है, कैसे यूज़ करते हैं उसको, कैसे स्टार्ट करते हैं। तो इतना वर्क मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। सपोज आपके किसी यूनिट में दिया हुआ होगा कि किस तरह से डेटा एंटर भी करते हैं तो वो भी आपको इसमें करके दिखाया जाएगा। तो आई होप आपको टेम्पलेट क्लियर बनाना आ गया होगा इसको देखकर कि किस तरह से टेम्पलेट्स ऑन करते हैं, किस तरह से टेम्पलेट्स को नेम प्रोवाइड करते हैं और टेम्पलेट का मेनली मीनिंग क्या होता है, ये इतना वीडियो में आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं यूजिंग टेम्पलेट भी क्लियर हो गया होगा। सो थैंक यू, टेक केयर, बाय।